हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा। आज हम बात करेंगे प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर मेनली एक तरीके की आउटपुट डिवाइस है। इसका मतलब कंप्यूटर से हम अपना आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, और प्रिंटर के द्वारा जो आउटपुट प्राप्त किया जाता है नॉर्मली पेपर के ऊपर प्राप्त किया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड कॉपी। अगर डिस्प्ले यूनिट में आउटपुट प्राप्त किया जाए तो हम उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। मेनली दो तरीके के प्रिंटर्स होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के जो कॉमन एग्जांपल हैं वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एटसेट्रा। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो करेक्टर्स प्रिंट किए जाते हैं उनमें एक्चुअल में फिजिकल इम्पैक्ट किया जाता है इंक रिबन पे, और वो इंक रिबन कागज पे अपना इम्प्रेशन छोड़ देता है और हमें करेक्टर छपे हुए मिल जाते हैं। ये प्रिंटर के अंदर एक्चुअल में फिजिकल इम्पैक्ट होता है, इसलिए कुछ नॉइज रहती है, मतलब दीज आर नॉट साइलेंट प्रिंटर्स, थोड़ी ये आवाज करते हैं और इनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी भी तरीके का फिजिकल इम्पैक्ट नहीं किया जाता। कुछ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंक को स्प्रे किया जाता है, कुछ के अंदर लेजर लाइट को यूज किया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके का फिजिकल इम्पैक्ट नहीं होता। ये साइलेंट प्रिंटर होते हैं, इनमें किसी भी तरीके की नॉइस नहीं होती, इनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है, अच्छी होती है, और जो इनकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में। हम सबसे पहले लेते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक तरीके का इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके प्रिंटर हेड के अंदर बहुत सारी पिंस अरेंज की हुई होती हैं। इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, रिलेटिवली इनकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रिंटर हेड के अंदर जो मेन डिवाइस होती है, जो मेन पार्ट होता है, वो होता है एक सोलेनोइड। इस सोलेनोइड के अंदर सारी की सारी पिंस अरेंज की हुई होती हैं। ये ही पिंस हैं जो इंक रिबन पे टकराएंगी और हमें छपा हुआ करेक्टर प्रदान करेंगी। कंट्रोल सर्किटरी जो इंस्ट्रक्शन सोलेनोइड को प्राप्त करती है उसी के अनुरूप रिक्वायर्ड पिंस आगे की तरफ स्ट्राइक करती हैं इंक रिबन पे, और इंक रिबन टकराता है पेपर के ऊपर, और इस तरीके से हमें हमारा करेक्टर पेपर पे छपा हुआ मिल जाता है। यहाँ चूंकि करेक्टर छोटे छोटे डॉट फॉर्म्स में मिलता है तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अगला प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर। नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो करेक्टर प्रिंट किए जाएंगे उसमें जो मेन चीज़ काम में ली जाएगी वो है लेज़र। जहाँ हमें बहुत अमाउंट में कागज़ को प्रिंट करने होते हैं उसके लिए ये प्रिंटर बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि जो इनकी स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इन प्रिंटर्स के अंदर हम एक स्पेशल तरीके की इंक को काम में लेते हैं, उस इंक का नाम होता है टोनर। ये एक पाउडर फॉर्म में होती है। ये डायग्राम अंदर से दिखाया गया है लेज़र प्रिंटर के। इस डायग्राम में लेज़र प्रिंटर के अंदर कौन कौन से मुख्य पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है, जैसे लेज़र लाइट, रोटेटिंग मिरर, बेल्ट, टोनर, फोटो कंडक्टिव ड्रम इत्यादि। लेज़र प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट करने के लिए फोटो कंडक्टिव ड्रम एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
इस फोटोकंडक्टिव ड्रम को हम अंदर से हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं और इसकी आउटर सरफेस को हम नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं। फिर एक लेज़र लाइट डाली जाती है रोटेटिंग मिरर पे, और वहाँ से रोटेटिंग मिरर से लेज़र लाइट परावर्तित होके इस फोटोकंडक्टिव ड्रम को स्कैन करती है लाइन बाय लाइन। जहाँ जहाँ करेक्टर्स प्रिंट होने चाहिए वो पोर्शन फोटोकंडक्टिव ड्रम का ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। इस फोटो कंडक्टिव ड्रम के जस्ट एडजेसेंट लगा होता है हमारा टोनर वाला ड्रम। टोनर वाला ड्रम भी नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए जो पोर्शन फोटो कंडक्टिव ड्रम का डिस्चार्ज हुआ था वहाँ पे ये नेगेटिवली चार्ज जो इंक होती है वो अट्रैक्ट होके पेस्ट हो जाती है, और जो करेक्टर हमें मिलना चाहिए वहाँ पे वो वाली इंक उस जगह पे उस पोर्शन पे जाके चिपक जाती है, क्योंकि फोटो कंडक्टिव ड्रम का जो अंदर का पोर्शन था वो कैसा था, चार्ज पॉजिटिवली, और टोनर बेसिकली कैसा है, नेगेटिवली, तो वो अट्रैक्ट हो जाती है और टोन उसके ऊपर फोटो कंडक्टिव ड्रम के ऊपर चली जाती है। फिर जैसे ही पेपर आगे की तरफ मूव करता है बेल्ट की सहायता से, तो एक सर्टेन अमाउंट का हीट प्रोवाइड किया जाता है ताकि पाउडर वहाँ पे परमानेंटली चिपक जाए और हमें एक परमानेंट इम्प्रेशन मिल जाए। इस तरीके से लेज़र प्रिंटर की सहायता से हम अपने करेक्टर्स को प्रिंट करते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इनके एडवांटेज हैं, हाई क्वालिटी का आउटपुट होता है, ये कलर्स में भी प्रिंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से इन्हें यूज़ किया जा सकता है, बहुत फास्ट होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है और मल्टीपल कॉपीज़ को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते। हमारा लास्ट प्रिंटर है इंकजेट प्रिंटर। इसके अंदर नाम से पता लग रहा है इंक और जेट दो मेन चीज़ें होंगी। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इसके भी अंदर किसी तरीके का फिजिकल इम्पैक्ट नहीं होता है करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। मेन दो पार्ट्स होते हैं, प्रिंटर हेड और इंक कार्ट्रिज। प्रिंटर हेड के अंदर मेन सर्किट लगाया होता है और इंक कार्ट्रिज के अंदर इंक भरी जाती है। राइट साइड के डायग्राम में आप गौर से देखेंगे तो जो इंक है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको हम पंप की सहायता से तेजी से फ्लो करते हैं टुवर्ड्स जेट्स। जेट में से निकलने से पहले उसको अच्छी तरीके से वाइब्रेट किया जाता है ताकि वो इंक पार्टिकल्स आपस में चिपक नहीं जाए। वाइब्रेटेड इंक आगे की तरफ चार्जर होते हैं, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनके नीचे से वो पास की जाती है। पहले ये इंक पार्टिकल्स में हम प्रॉपर चार्ज प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद में हम डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स के बीच में इस इंक को पास करते हैं। जिस डायरेक्शन में करेक्टर को प्रिंट होना है उसी हिसाब से डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोड्स इस इंक को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मोड़ देते हैं या घुमाव कर देते हैं ताकि प्रॉपर शेप का करेक्टर हमें मिल जाए। इस प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी इंक वेस्ट भी हो जाती है जिसको गटर नाम की डिवाइस कलेक्ट कर लेती है। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, उनको साफ करके वापस हम रीयूज़ कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर, ये लो कॉस्ट होते हैं, क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, इनको भी कलर प्रिंटिंग के लिए काम में लिया जा सकता है, इनको भी आसानी से हम काम में ले सकते हैं, इनको वार्म अप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। थैंक्स।